फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के साड़ी ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े बेकार चीज़ों से। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी बना सकते हैं। इसमें आप साड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं या फिर किसी भी तरह के क्लॉथ्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़े साइज की बन के तैयार हो गई है। इसे मैंने एक चावल गेहूँ की बोरी और पुरानी बेकार पड़ी साड़ी से बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आप गेहूं चावल की बोरी या फिर आटा बैग भी ले सकते हैं। इसे हम गेहूं चावल की बोरी से बनाएंगे, तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप कट कर लें। तो इसका हम पीस कट करेंगे। यहाँ पे मैं 26 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इधर से 22 इंच पे। तो 26 बाय 22 इंच का हम दो पीस कट कर लेंगे। तो इस तरह से निशान बनाते हुए हमें रेडी कर लेना है, उसके बाद फिर कट कर लेना है। तो ये देखिए, दो पीस हमारा कट हो गया है 26 बाय 22 इंच का। और ये देखिए, पुरानी साड़ी है जो बेकार पड़ी हुई थी। आप इसमें लगाने के लिए कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, या फिर पुरानी बेडशीट है, या फिर पुरानी कुर्ती है, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस पर हम पहले साइज़ मेजर कर लेंगे, उसके बाद इसे कट कर लेंगे। इसे हम दो पीस में कट कर लेंगे। अब हम एक फैब्रिक को लेंगे और हमने जो चावल गेहूं की बोरी कट की थी उसे हम इस तरह से रखेंगे और पहले पिन लगा के सेट कर लेंगे। पिन लगा लेने से अच्छा होता है और ये इधर उधर घिसकता नहीं, अच्छी तरह से सेट रहता है। और इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और अब हम दूसरे पीस को भी लेंगे, इसके भी चारों साइड में पिन लगा के सेट कर लेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सिलाई लग गई है। दूसरा पीस भी हमारा रेडी है सिलाई लग के। और अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो ये जिप मैंने ली है 26 इंच की। तो जिधर से हमारा 26 इंच वाला पीस है उधर से हम लगाएंगे इसे। तो यहाँ से ये 26 इंच वाला हिस्सा है, वहाँ से हम चैन को रखेंगे और इसे उल्टा करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, सिलाई लग चुकी है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से प्री स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए, प्री स्टिच लग चुकी है। ये देखिए, चैन अच्छी तरह से सिल चुका है। और अब हम दूसरा पीस लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, सिलाई लग गई है। और अब हम इसके ऊपर से भी प्री स्टिच लगाएंगे। चैन को अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई लग चुकी है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारा सिलाई लग चुका है। और इस तरह के कैरी बैग्स तो सभी के घरों में बेकार पड़ी होती है। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसकी पाइपिंग बहुत अच्छी लगती है। तो इसे हम एक इंच की स्ट्रेट पट्टी कट कर लेंगे, इसकी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमने सिलाई लगाया था उसके ऊपर से रखते हुए इसमें हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए, पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। और यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को मिला लेंगे। ये देखिए, निशान लग चुकी है। और इस निशान को इस तरह से हम पकड़ेंगे, दोनों किनारे को पकड़ते हुए इस तरह से सेट करके रखेंगे। ये देखिए, जहाँ पे निशान था वहीं पे हमें इस तरह से पकड़ते हुए सीधा कर लेना है। और इसके दोनों साइड में यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए, सिलाई लग गई है। और अब हम यहाँ से 5 बाय 5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से भी 5 इंच और इधर से भी 5 इंच का एक बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बॉक्स बन चुका है। सेम इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर्स पे निशान लगा लेना है। तो निशान लग गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, कटिंग हो गई है। और इसी तरह से बाकी सारे कॉर्नर्स को भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे सारे कॉर्नर्स कट हो गई है 5 बाय 5 इंच का। और ये जो हमने शॉपिंग बैग की पाइपिंग कट की थी उसे हम इस तरह से पाइपिंग लगा लेंगे दोनों साइड में। तो ये देखिए, पाइपिंग लग चुकी है। और अब हमने जो कॉर्नर कट किया था उसका सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमें पकड़ते हुए पहले पिन लगा के सेट कर लेना है, उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो अंदर की तरफ को हमें देख लेना है कि अंदर से फैब्रिक छूट तो नहीं रहा है। तो फैब्रिक को पकड़ते हुए
और प्लास्टिक की बोरी को मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है चारों कॉर्नर्स को। इस साइड भी इसी तरह से पिन लगा के सेट कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई कैसे करना है। तो इस तरह से पहले हमें कॉर्नर्स को मिलाते हुए पकड़ना है और अंदर की तरफ जो फैब्रिक है उसे भी पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। अच्छी तरह से देख लेना है कि फैब्रिक न छूटे। ये देखिए सिलाई लग गई है। उसी तरह से हमें चारों कॉर्नर्स की सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे जो हमने पाइपिंग कट की थी। तो इस तरह से मिलाते हुए हमें पाइपिंग लगा लेना है। ये देखिए एक कॉर्नर पे सिलाई लग गई है, पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। बाकी सारे कॉर्नर्स पे भी पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमारे सारे कॉर्नर्स पे पाइपिंग लग के तैयार हो गई है और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सारे कॉर्नर्स को अच्छी तरह से निकालते हुए सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा हो गया है और ये काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो गया है। और ये जो हमने कॉर्नर्स की कट की थी ना उसे हम ले लेंगे, इसके हम स्टेप तैयार करेंगे। तो इस तरह से कट करके निकाल लेंगे और लगभग 1 इंच की प्लास्टिक की बोरी को कट करेंगे। और ये 10 इंच बाय 3.5 इंच की फैब्रिक कट की है और उसके बीच में प्लास्टिक की बोरी को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका स्ट्रेप तैयार कर लेंगे। इसका हम हैंडल बनाएंगे। ये देखिए हैंडल बन के तैयार हो गया है और अब हम इसमें हैंडल को अटैच करेंगे। तो यहाँ से जो सेंटर की सिलाई है वहाँ से हम ऊपर से इंची टेप को रखेंगे, 4 इंच पर निशान लगाएंगे और 4 इंच पे जो निशान लगाया है वहाँ से हम दोनों साइड 3 इंच 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके ऊपर हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो हैंडल को इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों जहाँ हमने निशान लगाया है उसके ऊपर से रख के पिन लगा लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से हमें दूसरे साइड भी करना है। ऊपर से नीचे की तरफ हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और दोनों साइड 3 इंच 3 इंच पे निशान लगाना है, जो सेंटर की सिलाई है उसी के ऊपर से रखते हुए। और इसके ऊपर से हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हैंडल अटैच हो गया है और कितना प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया, साड़ी कवर बनके तैयार हो गया है। आप इसमें अपने पसंद से किसी भी तरह के क्लॉथ को रख सकते हैं। ये देखिए अब हम इसमें एक कार्डबोर्ड लगा लेंगे, नीचे की साइड को एक कार्डबोर्ड लगाएंगे। इससे ये काफ़ी अच्छा सा फिनिशिंग देता है और अंदर से ये थिक रहता है। तो ये देखिए हमारा साड़ी कवर बनके तैयार हो गया है, मल्टीपर्पज़ क्लॉथ और स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। वो भी हमने 0 कॉस्ट में बिल्कुल फ्री में घर पर पड़े बेकार चीज़ों से बना के तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।